तो आज हम स्ट्रीट फाइट में सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में कोई आता है आपकी तरफ को, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने हाथ हमेशा ऊपर की तरफ रखिए और अपनी जो कोहनी है वो अंदर की तरफ रखनी है, और पीछे ऐसे आपको अपने हाथ उसकी तरफ को रखने। अगर आप उसे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे फ़ाइट नहीं करनी है, बट आपका क्या है, एक फाइटिंग स्टांस भी है। जैसे आपकी तरफ आता है तो उसका कोई पैर अगर आगे आता है तो आप किक कर सकते हैं। सो किक देन यू कैन पंच। अगर वो आपके बिल्कुल ही क्लोज आ जाता है किसी तरीके से, और दोनों हाथ अगर वो पुश करता है, तो आपके हाथ हमेशा टैप कर दीजिए इनसाइड। वो अगर पकड़ने की भी कोशिश कर रहा है, टैप करो, पकड़ने की कोशिश करो। जैसे पकड़ने की कोशिश की, मेरे हाथ अंदर की साइड है, तो सीधे आइस को होल्ड करो। इस तरह से आप आइस को टारगेट कर सकते हो और फेस को कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज़ है, हमारी बॉडी का एक हम कह सकते हैं टेंडेंसी है कि जिधर हमारी बॉडी का, हम सर को जिस साइड को गिराएंगे उस साइड को बॉडी गिर जाती है। जैसे हम ये कर रहे हैं तो देखो, इस साइड को गया। अगर मैं इसको इस साइड को गिरा रहा हूँ तो इस साइड को पूरी बॉडी लीन करती है। पीछे सर को करूँगा पीछे जाएगी, आगे करूँगा तो आगे आएगा, पूरी बॉडी आगे को आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इधर को करूँगा और ये इस साइड को, मतलब बॉडी अपोजिट नहीं गिरती है। सो अगर हम हेड कंट्रोल कर लेते हैं किसी तरीके से, तो बॉडी पूरी की पूरी मूव होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो मेरे पास आता है, तो हमारा टारगेट, इसीलिए मार्शल आर्ट में क्या होता है, हेड होता है, हम हेड को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं हेड को कंट्रोल करूँगा तो मैं इसे तुरंत यहाँ से पकड़ने के बाद तुरंत इसे ज़मीन पर ले आया, ऑलराइट, और यहाँ पे मुझे इसको हिट करना है, देन आई कैन गो होम। तो पहला रूल क्या है, योर हैंड्स शुड बी अप, आपके हाथ ऊपर की तरफ होने चाहिए, उसकी तरफ आपकी फिंगर्स होनी चाहिए, और आपको पूरी बॉडी देखनी है, उसका जो बॉडी पार्ट आगे आता है आपको उसे हिट करना है। अगर वो आपको पंच करता है तो आपको, आप यहाँ पर हैं, आप उसका पंच हिट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स। अगर वो बॉडी के बिल्कुल ही पास आ गया है, पास आया है, तो अगर आप पुश कर रहे हो, पुश की पोजीशन, तो मेरा हाथ यहाँ का ही है। ये देखिए, मैं यहाँ गर्दन में क्या करूँगा, पुल, ये। अब यहाँ से मेरे पास क्या है, ये आपका लॉक है। अगर मैं इसे लॉक करता हूँ एंड ग्राउंड पे ले जाता हूँ, मैं इजीली इसे कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मुझे इसे कंट्रोल करना है, यहाँ से, ऑलराइट। नाउ फिर से, जैसे, तो पहली इस वीडियो का जो मोटिव है, बनाने का उद्देश्य है, वो क्या है कि अपनी स्टांस को समझना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये आप एक लाइन मान के चलिए कि आपकी लाइफ की ये एक लाइन है और इसे किसी ने क्रॉस नहीं करना है। तो आप इसके पीछे हो, आप यहाँ पे समझा रहे हो। अब आप इसे पीछे पीछे जाते रहेंगे जब तक आपकी ये लाइन कि आपके पास स्पेस है। अगर स्पेस नहीं है तो आपको अब आगे ही बढ़ना है और उसे आप पे अटैक करना है। तो जैसे आपको अटैक करेगा, आ जाओ पुश, जैसे पुश कर रहा है या उसने मुझे अभी पंच किया, पूरी बॉक्सिंग पोजीशन में आओ, यस, ठीक है। अब ये यहाँ से पुश कर रहा है तो मैं यहाँ इस साइड एंट्री ले सकता हूँ। अगर ये मुझे पुश करता है, पुश करो, बूम, मैं अप साइड हूँ, चॉप हैंड, यहाँ मैं अप साइड बॉक्सिंग में, अगर मैं बॉक्सिंग कर जानता हूँ तो मैं बॉक्सिंग कर सकता हूँ। अगर मैं बॉक्सिंग नहीं जानता या ग्रैपलिंग जानता हूँ कम, और जैसे ही पुश किया, मेरे हाथ अप साइड है, इन साइड मैंने पुश किया, होल्ड। अब मैं अपना जो भी मुझे लॉक है, लॉक्स यूज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो तीन जगह उसे लॉक किया है, वन और दूसरा ये शोल्डर पे। ओके, नाउ लेट्स गो दिस, दोबारा से आ जाओ, कम, वो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे हाथ ऊपर हैं, मैंने उसके हाथ यहाँ टैप किया, पुश किया इस साइड को, यहाँ से, इस साइड से मैंने हाथ यहाँ, और आप लॉक करके रख सकते हैं अगर आपको किसी को मारना नहीं है तो। यहाँ पे है, हिट कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डाउन पे, ग्राउंड पे चला जाएगा, और जैसे ही ग्राउंड पे गया आप इसे लॉक करके रख सकते हैं, ये वाला लॉक, ये वाला, अगर आपको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करके रख सकते हैं। ओके बेटा, सो ये आज का वीडियो है। अगर आपको पसंद आया हो तो हिट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।